CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक तिवारी आज आप लोगों के सामने शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित दादी माँ पाठ, जो कि 7वीं कक्षा के लिए प्रस्तावित है, उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। दादी माँ पाठ बच्चों दरअसल एक संस्मरणात्मक कहानी है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण दरअसल हिंदी साहित्य की एक विधा को कहते हैं, जिसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर किसी घटना अथवा व्यक्ति के बारे में वर्णन करता है। दादी माँ पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी को याद करते हुए उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को उद्धृत किया है। बच्चों, ये पाठ बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, और इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि हम समझ सकें कि बुजुर्गों का हमारे परिवार में क्या योगदान रहता है। आइए पाठ की तरफ हम बढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी, प्रशस्त तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा तो नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक इस विडंबना की तरफ दृष्टि डाल रहा है कि किस तरह से जो नया वातावरण बना है, जो नए मानवीय संबंध बने हैं, उसमें मनुष्य की कमजोरियों को लेकर प्रायः लोग सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसा ही लेखक के मित्रों के साथ भी है और लेखक के शुभचिंतकों के साथ भी है। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बच्चों, यहाँ से संस्मरण अपनी मूल अवस्था की तरफ बढ़ता है, यानी लेखक अपनी दादी की स्मृतियों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। और वह कहता है कि कई बार सोचता हूँ कि उन स्मृतियों को न याद करूँ जिन्हें सोचने से, जिन पर विचार करने से दुख का अनुभव होता है, लेकिन बरबस, बरबस का अर्थ होता है अनायास ही, मेरे आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ। शरद ऋतु की जो चांदनी होती है, ऐसा माना जाता है कि उसका प्रभाव शीतलतादायक होता है। वो अपनी स्वच्छता में, अपनी शुद्धता और स्निग्धता में शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी व्यक्ति की शीतल छाया, जो चांदनी, शरद की चांदनी के समान मन को ठंडक देने वाली है, वह उनके ऊपर, उनके मन पर बरबस ही छा जाती है, और वह शीतल छाया उनकी दादी की है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अध गली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। क्वार वह महीना होता है जिसे हिंदी में अश्विन भी कहा जाता है, या सितंबर से अक्टूबर के बीच का महीना होता है। इस माह में जो बरसात का पानी है वो जमा रहता है पोखरों में, तालाबों में और अन्य स्थानों पर, और इस जमा पानी में बिहार के, विशेष रूप से ये बाढ़ प्रभावित अंचल का उदाहरण है। वैसे ये किसी भी ऐसे क्षेत्र का उदाहरण हो सकता है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो और जहाँ पर जो है बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष जमा होता हो। लेखक उसके माध्यम से यह कह रहा है कि जो वातावरण है इसके गांव का, इनके ग्रामीण अंचल का, वह इस प्रकार का है कि वहाँ पर बाढ़ से आया हुआ पानी जमा हो जाता है। आसपास के गांव से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें,
ये जंगली घासें होती हैं जो बाढ़ के पानी के साथ बहकर आ जाती हैं। घेऊर और बन प्याज की जड़ें, ये अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं जो जंगलों में और प्रायः उजड़ स्थानों पर पाई जाती हैं। वे सभी सड़कर विचित्र प्रकार की गंध देती हैं, विचित्र प्रकार की यानी अजीब सी गंध देती हैं। उस गंध की कोई संज्ञा नहीं है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। वातावरण का सृजन करता है लेखक और यह बताता है कि इस प्रकार के वातावरण में उसका बचपन बीता है। लेखक इस बात की भी चर्चा कर रहा है कि कैसे हर मौसम की अपनी एक विशिष्टता होती है, विशेषकर उस परिवेश में जिस परिवेश में लोगों का जीवन अभी भी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। लेखक आगे कहता है, आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, आषाढ़ यानी जून जुलाई का महीना। चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। परक्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। आशय यह है कि भले ही अलग अलग मौसमों की जो विशेषताएं हैं या जो उनके विशिष्ट अंचल में अलग अलग मौसम से जुड़े हुए आनंददायक तत्व हैं, जैसे आषाढ़ में वह कहता है आम और जामुन उपलब्ध होते हैं, अगहन में चिवड़ा गुड़ का नाश्ता, अगहन यानी नवंबर दिसंबर का समय, तो भी उसे दुख नहीं है। चैत यानी मार्च अप्रैल के महीने में गुड़ के साथ लाई की पट्टी ना मिले तो भी कोई अफसोस नहीं है। लेकिन लेखक को इस बात का दुख ज़्यादा है कि अगर क्वार में ऐसे पानी में, ऐसे भरे हुए जल में खेलने को, कूदने को ना मिले तो बाल मन जरूर अनमना हो जाता है, उसके मन में जरूर एक अजीब किस्म की कसक भरी रह जाती है। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क रहा था यानी मैं, मेरे भीतर मन में एक कसक, एक उत्साह जग रहा था कि मुझे भी इस तरह खेलने को मिले। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, साबू यानी साबूदाना, जैसा कि बीमारियों में होता है। यह कहा जाता है कि बीमारियों में हल्का खाना खाना चाहिए, तो नींबू और साबूदाना खाना, हल्की बीमारी में सर में हल्का सा दर्द होना, आराम करना, ये सब बालपन में लेखक शिवप्रसाद सिंह जी को भाता था, अच्छा लगता था। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन इस बार जब वे क्वार के जल में खेले थे तो इस बार जो उन्हें बीमारी हुई, जो उनको बुखार हुआ, वह बुखार जल्दी ठीक नहीं हुआ। और कई दिनों के बाद जब उनका बुखार उतरा तो रात के 12 बज रहे थे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आईं, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में, उसी झाग वाले जल में यानी पोखर में जल भरे हुए उसी गंदले से पानी में नहा कर आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। बच्चों, ये जो चित्रण है इसको रेखाचित्र की शैली भी कहा जाता है। इसके द्वारा लेखक यह अपनी दादी माँ का एक चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है, उनके जो शारीरिक, जो उनकी उपस्थिति है शारीरिक तौर पर यानी भौतिक दृष्टि से उन्हें देखने पर वे जैसी दिखाई देती हैं, उसे हमारे सामने स्पष्ट करता है। और वह कहता है कि उनका शरीर दुबला पतला लेकिन स्नेह सना था। स्नेह यानी स्निग्धता या कोमलता या प्रेम। शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, बिना किनारी की धोती थी। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। सद्य मतलब उसी समय टपकते हुए जल की शीतलता यानी ठंडक मौजूद थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए,
आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 200 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बुजुर्ग का परिवार में कितना महत्व होता है, उसका स्नेह किस प्रकार बच्चों को, बड़ों को, सबको सहारा देता है, इसका वर्णन लेखक करता है। अपनी दादी माँ के माध्यम से वह बुजुर्गों के परिवार में योगदान और उनकी गरिमा को स्पष्ट करते हुए कहता है कि जब वह बीमार था तो उनकी दादी आई आती, उसका सर पेट छूती और आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। यानी किसी पीर औलिया, या अक्सर आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं वे अलग अलग आराध्य देवों की पूजा करके मनौतियां मानकर, जब भी हमारी तबीयत खराब होती है, हम बीमार होते हैं, तो हमें ठीक करने की कोशिश करती हैं और अपनी तरह से हमें दुआएं देती हैं। तो ऐसा ही उन्होंने भी कहा कि यह अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई ना देता हो, यानी ईश्वर जिसे सर्वशक्तिमान मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो कण कण में व्याप्त है लेकिन उसे हम अपनी भौतिक आँखों से नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही किसी अदृश्य शक्तिधारी यानी स्थानीय देवताओं पर उनकी दादी माँ की जो आस्था थी, उनके चबूतरे की मिट्टी लाई थी और उन्होंने उनके लेखक के मुँह में डाली, उनके माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती। दालचीनी लगाने से ऐसा माना जाता है कि जो बीमार व्यक्ति है उसको राहत मिलती है। इस तरह की अनेक पद्धतियां, परंपरागत पद्धतियां रसोई से के पदार्थों में, मसालों में जिस प्रकार के औषधीय गुण हैं, बच्चों परंपरागत रूप से हमारे बड़े बुजुर्गों के पास वो ज्ञान संचित रहता है और वे अपने उस ज्ञान से हम सभी को नवाजते हैं, हम सभी को अनेक प्रकार का लाभ देने का प्रयास करते हैं और अक्सर उनके इस ज्ञान से, उनकी इस औषधीय परंपराओं से हमें बहुत लाभ होता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ हमारा व्यवहार, हमारा जो कर्तव्य है, हमें उसका पालन करना चाहिए ताकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका स्नेह हमें मिलता रहे। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। आशय यह है कि उनकी चिंता का दायरा इतना विस्तृत रहता कि वे एक एक छोटी से छोटी बात की चिंता करती जब लेखक बीमार हो जाता। लेखक उसका उदाहरण देते हुए कह रहा है कि दादी किस प्रकार के प्रश्न पूछती हैं, हांडी में पानी आया कि नहीं। हांडी का पानी जो लेखक के लिए बीमारी में उपयुक्त माना जाता है, वह आया कि नहीं, ताज़ा भरकर आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। आजकल कोरोना काल में हम समझ सकते हैं कि स्वच्छता और बीमार व्यक्ति की देखभाल का कितना अधिक महत्व है और यह महत्व आज प्रकृति ने रेखांकित भी कर दिया है। तो पीपल की छाल से छौंकने पर ऐसा माना जाता है कि पानी एक तरह से डिसइनफेक्टेड होता है, यानी पानी जो है वो स्वच्छ हो जाता है। तो खिचड़ी की मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, मूंग की दाल की खिचड़ी बनवाती थी ताकि जो बीमार है उसके पेट को हल्का पड़े वह खाने में, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। यानी इस बात का भी, जिसको आजकल हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, परंपरागत रूप से भी यह ज्ञान हमारे बुजुर्गों के पास रहता था कि यदि कोई बीमार है तो उसके पास सीधे बाहर से आकर कोई ना खड़ा हो, कोई ना मिले, बल्कि उसके पास जाने से पहले हाथ मुंह पैर धोकर ही उसके पास जाया जाए, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देते थे। उनके ये प्रश्न कई बार घर वालों की परेशानी का भी सबब बनते थे, घर वाले इस बात से परेशान भी होते थे। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे।
गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाज, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदल जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार के को बुलाने का जी नहीं होता। देखिए, दो तरह की स्थितियां एक साथ लेखक एक दूसरे के सामने रख कर यह तुलना करते हुए कह रहा है कि कैसे जब दादी माँ साथ हुआ करती थी तो बीमारी का डर नहीं होता था, बल्कि बीमारी के समय में दादी माँ से प्राप्त होने वाले स्नेह का के प्रति एक प्रकार की लालसा भी रहती थी, लेकिन आज सारी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद बीमारी से डर लगता है, बीमारी ना आए ऐसी कोशिश करते हैं। इस अनुच्छेद में लेखक इस बात का उल्लेख करता है कि किस प्रकार से दादी माँ केवल हमारी दादी नहीं थी, बल्कि गांव में किसी को भी बीमारी हो। बच्चों, अगर आप ग्रामीण परंपरा और ग्रामीण संस्कारों के विषय में कुछ जानकारी रखते होंगे तो आप निश्चित रूप से यह जानते होंगे कि गांव में एक बात प्रायः भारत के सभी गांवों में प्रचलित है कि बेटी और बुजुर्ग पूरे गांव के होते हैं। ये संस्कार हमारे अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ संस्कार है और इस संस्कार के बल पर हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सुविधाएं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के गुण आ जाते हैं अपने आप ही। जब हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, अपने परिवेश के बुजुर्गों का, तो उन बुजुर्गों के अनुभव से हमें अनायास ही लाभ मिलता है। साथ ही जैसा कि हमारी परंपरा में है कि बेटी भी जो है वो पूरे गांव की होती है, तो इस तरह से स्त्रियों के प्रति जो सम्मान की दृष्टि का उल्लेख किया जाता है वह स्वतः ही अनायास ही हमारे मन में रहता है। तो लेखक इस बात को यहाँ रेखांकित कर रहा है, वह यह भी रेखांकित करता है कि जो परंपरागत ज्ञान उन्हें है वह जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारा ज्ञान इस तरह का है जो आयुर्वेद और हमारे परंपरागत औषधियों से जुड़ा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी है जिसे एक बारगी हम अंधविश्वास कहकर नकार सकते हैं। भूत से लेकर मलेरिया, सरसाज, निमोनिया तक का अनुमान वे विश्वास के साथ सुनाती थी, लेकिन जो अनुभव होता है उस अनुभव में ऐसा हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हों, लेकिन वह अनुभव कम से कम उस खतरे की तरफ तो जरूर संकेत कर देता है या उन समस्याओं की तरफ तो जरूर संकेत कर देता है जिसके प्रति हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। बच्चों, यहाँ कुछ नाम आए हैं, आपको हो सकता है उन नामों को लेकर थोड़ी समस्या हो। मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, ये बच्चों बीमारियां हैं, विशेष रूप से जो पूर्वी बिहार या हमारा वह क्षेत्र जहां पर बाढ़ की विभीषिका आती रहती है वहां पर कुछ महामारियां फैलती थी और आज भी ये बीमारियां कमोबेश उस क्षेत्र में पाई जाती हैं, विशेष रूप से तराई के क्षेत्र में। ये उन बीमारियों के नाम हैं। महामारी अभी जैसे हम लोग पेंडेमिक कह रहे हैं, पेंडेमिक तो वैश्विक महामारी हो गई, तो एपिडेमिक कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो महामारियां पहले फैलती थी तो गांव के गांव उसमें साफ हो जाते थे, यानी बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती थी। ऐसे अनुभवों से दादी माँ गुजरी हुई थी और दादी माँ उनके प्रति किस प्रकार के एहतियात बरतने चाहिए, किस प्रकार से उन समस्याओं का निदान मिलता है और किस प्रकार से उन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है उसकी ख्याल रखती थी। साथ ही वे पूजा इत्यादि करके अपने सद्भाव को व्यक्त करती थी। बच्चों, बीमारी के समय केवल औषधियां ही काम नहीं करती हैं, बल्कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका स्नेह और यह एहसास, बीमार के मन में अगर यह एहसास हो कि लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं, वह ज़रूर एक दिन ठीक हो जाएगा, तो ऐसा माना जाता है कि एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक शक्ति प्राप्त होती है
जिससे बीमारी आसानी से दूर हो जाती है। लेखक इस बात का उल्लेख करता है कि आज सारी सुविधाएं हैं, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना भी दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी भी देख जाते हैं। ये सुविधाएं तो हैं, यानी देखभाल तो वैसे ही हो रही है जैसे दादी जी के समय होती थी, लेकिन दादी जी का स्नेह अब नहीं है। इस बात को बहुत गहराई से महसूस कर रहा है और बच्चों यही एक संस्मरण की ताकत होती है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं इस संस्मरणात्मक कहानी की तरफ, और दूसरा प्रसंग दादी माँ की स्मृतियों से जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रसंग लेखक को याद आता है। जब उनके बड़े भाई किशन की शादी का समय था तो किस प्रकार से दादी माँ पूरे घर की जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर ले लेती थी, इसका वर्णन करता है वह। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यों सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थित वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। बच्चों जानने वाले सभी जानते थे कि दादी माँ स्वयं कुछ नहीं करती थी, वे केवल सभी कामों पर एक नज़र रखती थी, लेकिन दादी माँ के होने मात्र से काम समय से होते थे, क्योंकि लोगों को ये अंदेशा लगातार बना रहता था कि अगर काम ठीक से नहीं हुआ, काम में कोई गड़बड़ी हुई तो दादी माँ टोंक देंगी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए लोग लगातार अपने कर्तव्य को और जो भी काम उनको होता था उसे करते रहते थे। एक शब्द आया बच्चों, कार परोजन, यह शब्द देशज शब्द है, इसको आप आजकल की जो मानक हिंदी है या तत्सम शब्दों में अगर परिवर्तित करें तो दरअसल यह शब्द है कार्य प्रयोजन। प्रयोजन मतलब किस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। तो जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता था, जैसे यहाँ शादी का उल्लेख है, तो ऐसे समय पर दादी माँ बहुत व्यस्त हो जाती थी और उनकी नज़र हर छोटी छोटी चीज़ों पर होती थी, हर काम पर होती थी, और वे हर काम का ध्यान रखती थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। वे खुद भले ना करती हों लेकिन अगर वे अनुपस्थित रह जाएं तो विलंब हो जाता था, वह काम समय पर नहीं हो पाता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार आप बरामदा समझ सकते हैं, बाहर की तरफ का जो स्थान होता है घर के, वहाँ दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बिगड़ रही थी यानी नाराज हो रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी माँ तकाजा कर रही थी, तकादा का मतलब दबाव डाल रही थी। रामी की चाची यानी जिसका नाम धन्नो है, वह उनसे कुछ पैसा उसने उधार लिया होगा, अब दादी माँ उस पैसे को वापस मांग रही थी। रामी की चाची इस समय देने में असमर्थ थी और इस बात पर दादी नाराज हो रही थी। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, निस्तार यानी कि उद्धार। कहते हैं मालकिन मैं दूंगी पैसा, रामी की चाची कहती हैं कि मैं पैसा दे दूंगी लेकिन बेटिया की शादी है और आप यानी आप जैसे बुजुर्ग बड़े दया न करेंगे तो कैसे उसका उद्धार होगा, कैसे उसका भला होगा, हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, दादी माँ ने कहा मैं नहा कर आ रही हूँ, तुम मुझे मत छुओ, दूर रहो। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक को यह प्रसंग अप्रिय लगा, दादी माँ के व्यक्तित्व के विषय में लेखक की जो धारणा थी, लेखक जैसा सोचता था कि दादी सहृदय हैं, स्नेह युक्त हैं,
उसके विपरीत आचरण जब दादी माँ का उसने देखा तो उसने महसूस किया कि दादी माँ जो कर रही हैं वह अच्छा नहीं है, उसे कुछ प्रिय नहीं लगा। प्रिय का अर्थ होता है भला लगना, मन को भाना। अप्रिय का अर्थ होता है प्रिय का विलोम है अप्रिय, यानी जो भला ना लगे, जो मन को ना भाए। यह प्रसंग का अर्थ, यह जो चर्चा चल रही थी वह चर्चा उसको भली नहीं लगी और उसने भी अपनी दादी माँ को समझाया कि गरीब है दे देगी, जाने दीजिए। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। दादी माँ ने उसको झिड़का, डांटा कि चल, बहुत आया समझाने वाला। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरिन हो गई। उरिन मतलब ऋण मुक्त हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो देखा आपने, दादी माँ ने किस प्रकार से धन्नो चाची को उऋण कर दिया, यानी अपने ऋण से ही मुक्त नहीं किया, बल्कि 10 रुपए, उस जमाने में 10 रुपए आज के समय के हिसाब से बहुत ज्यादा थे, 10 रुपए और देते हुए कहा कि तेरी बेटी जैसी वैसी ही मेरी बेटी, और जग हंसाई नहीं होनी चाहिए। यानी दादी माँ रामी की चाची का अब भी ख्याल रखती थी, जिस पर कुछ दिन पहले वे बिगड़ रही थी। तो बुजुर्गों के इस भाव को समझ पाना दरअसल कठिन होता है, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम समझें कि बुज़ुर्गों का गुस्सा भी अनायास नहीं होता, और उनके गुस्सा होने का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें स्नेह नहीं है या परवाह नहीं है। दादी माँ के इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।